पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडे क्यों रत्न संज्ञा विधीयते। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने गांव गडोली से। तो साथियों, किसानों की आजकल क्या चल रही है? आजकल गेहूं की लवाई थी, कटाई थी। अब गेहूं की कटाई के बाद खलिहान को लीपा गया, गढ़वाली में घसना बोलते हैं, तो ग्राम गडोली में कुछ ऐसे चल रहा है। घोड़ा भी घूम रहा है, बैल भी घूम रहा है। और साथियों, हमारे यहाँ इस तरह से लगाई जाती है, निकाली जाती है दाई, इसको दाई बोलते हैं। और जो गांव शहर से टच हैं, शहर के नज़दीक हैं, हाईटेक हो चुके हैं, वहाँ क्या आ रही है? थ्रेसर मशीन आ रही है। तो हमारे यहाँ पारंपरिक ढंग से दाई निकाली जाती है, बैल घूमते हैं, घोड़े खच्चर जो जो जिसके पास धन चैन रहते हैं वो घूमते हैं, और ऐसा चल रहा है अपने उत्तराखंड में आजकल। और साथियों, जो लोग बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, वो भी मिस कर रहे होंगे ऐसी लाइफ स्टाइल है। ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति है, बाहर जाना भी जरूरी है, लेकिन अपनी रूट को कभी नहीं भूलना चाहिए साथी, ये मेरा मानना है। तो साथियों, ऐसे कुछ निकल रहा है गेहूं का बीज इन बालियों से, दाई के माध्यम से, और हमारे पहाड़ों में इसी तरह निकाला जाता है साथियों गेहूँ दाई निकालकर, और इस प्रोसेस को दाई बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसे कमेंट में जरूर लिखना। और माता जी घुमा रही है, मैं घुमाता हूँ। और साथियों, आज हमारी लास्ट दाई है, ये दो तीन दिन निकाली है, अंतिम पड़ाव है। तो साथियों, हमने तो निकाल दी है अपने आंगन से दाई, अब इसको पोना जाएगा, इसे दाने अलग निकाले जाएंगे। अब भाभी जी लोग निकाल रहे हैं उधर, अब उधर चलता हूँ गांव में, गांव की तरह। नहीं देखो, यहाँ पे बड़ी जी निकाल रही है। अब चलता हूँ गांव, गांव की क्या रौनक है। देखो, ये हमारा गांव, अब यहाँ पे दीदी जी लोग भी निकाल रहे हैं। देखो, यहाँ दो दो बैलों की जोड़ी घूम रही है। दीदी यहाँ पे बर्तन धुल रही है अंदर काल ना भाण। देखो, और ये भ्याना है ऊपर बैठ रखे, आनंद ले रहे हैं। और ये सासू जी, हाँ जी, और साथियों यहाँ पे है भ्याना जी, हमारे यहाँ जीजा जी को भ्याना बोलते हैं। ये है सासू जी, यहाँ पे बैठ रखी है वो करने वाली, जब बुआरियाँ हैं तो सासू की क्या जरूरत है ना। और नीचे पे भी चल रही है दाई, अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो, नीचे पे भी घोड़ा घूम रहा है, ये देखिए, हर जगह आजकल दाई का कार्यक्रम चल रहा है। अरे देखो, ये दीदी जी घुमा रही है बैल। Thank you.
तो साथियों भाभी जी लोगों ने भी बैल फिरा दिए हैं, बैल घुमा दिए हैं, अब उनकी पुनाई चलेगी, पुनाई चलेगी, बैलों का काम हो चुका है ना। तो चलो अब इनको चराने हटाते हैं, ऊपर चुगने जाएंगे। साथियों भाई जी लोगों ने भी लगा निकाल दी है दाई, अब माता जी लोग पुनाई कर रहे हैं उसकी, फिर दाई का कार्यक्रम संपन्नता की ओर है ना। तो चल रहे हैं तो साथियों गेहूं की दाई भी निकाल दी है, पूर्ण भी दिया है, अलग भी कर दिया है, और अब कट्टों में भी भर दिया है। अब इनको सुखाया जाएगा एक दो दिन तक। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना साथियों। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड।